पहली बार नगर आगमन पर विधानसभा अध्यक्ष सांसद का जोरदार स्वागत हुआ। नरवर ने किया ग्रेट वेलकम। सांसद बनने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र पहुंचे ग्वालियर लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद भारत सिंह कुशवाहा और मध्य विधानसभा अध्यक्ष नरेश सिंह तोमर को भाजपा कार्यकर्ताओं ने ग्रेट वेलकम का शानदार यादों का गुलदस्ता भेंट किया। दरअसल सांसद बनने के बाद शुक्रवार को भारत सिंह कुशवाहा का ये पहला नगर आगमन था। नगर आगमन से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत के लिए पहले से ही खास तैयारियां कर रखी थी। नरवर क्षेत्र में कुछ पल के लिए ऐसा लगने लगा था कि जैसे दिवाली हो, क्योंकि पटाखों की गूंज, पुष्प वर्षा, ढोल नगाड़ों की आवाज सड़क पर चल रही थी। कार्यकर्ताओं की भीड़ सब किसी नगर उत्सव की कम नहीं था। इसी किस तरह का कार्यक्रम था सांसद जी को विधानसभा? आज हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद श्री भारत सिंह कुशवाहा जी और उनके साथ में हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे नर्मदा नगर आगमन प्रथम नगर आगमन पर वो आए और उनका हमने स्वागत सम्मान किया। कहाँ का स्वागत सम्मान हुआ? उनका स्वागत नरवर में चार पांच जगह हुआ, वो तीन चार जगह मगरोनी में हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो नेता हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और हमारे लोकप्रिय सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, जनता के बीच में उनकी बहुत अच्छी छवि है और इस क्षेत्र के लिए इस क्षेत्र की जनता को काफ़ी उनसे उम्मीद है और निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास करेंगे और विकास के साथ साथ इस क्षेत्र में विकास गंगा बहा। लोकसभा चुनाव में एक मुख्य मुद्दा रहा था शिक्षित का, कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे प्रवीण पाठक, वहाँ कहेंगे शिक्षित उम्मीदवार, युवा उम्मीदवार, अब शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रही है भाजपा? शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ उनका योगदान चल रहा है। अभी जो है मध्य प्रदेश में सीएम राज स्कूल बनवाए जा रहे हैं जिसकी कनेक्टिविटी केंद्र से है और केंद्र से ही ये सारे स्कूल संचालित होंगे और शिक्षा देश की सबसे प्रमुख आधारशिला है, क्योंकि शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा और सरकार शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार कर रही है और नई नई योजनाएं, नए नए तकनीकी और नए नए एक्सपेरिमेंट शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे हैं।